कहानी की शुरुआत में हमें एक लड़का दिखाया जाता है जिसका नाम लाइट होता है और उस वक्त लाइट अपने स्कूल में होता है। तभी अचानक मौसम खराब होने लगती है, हवाएं चलने लगती है और आसमान से एक किताब जमीन पे आके गिरता है। वो किताब लाइट को मिल जाती है। लाइट उसे चेक करता है और उसे अपने पास रख लेता है। और ये कोई आम किताब नहीं थी बल्कि ये एक एंशियंट बुक थी। तभी वहाँ पर बारिश भी होने लगती है। अंदर जाते हुए लाइट देखता है कि स्कूल का एक नॉटी लड़का दूसरे लड़के को परेशान कर रहा है और लाइट उस लड़के को ऐसा करने से मना करता है, जबकि बदले में वो लाइट को एक पंच मारता है और लाइट के साथ साथ उसका बैग भी जमीन पे गिर जाता है। एक टीचर को लाइट के बैग में से दूसरे स्टूडेंट की होमवर्क मिल जाती है। यहाँ पर लाइट का ये सीक्रेट रिवील हो जाता है कि वो दूसरे स्टूडेंट्स का होमवर्क कर देता है। इस बात की वजह से लाइट को प्रिंसिपल के पास भेजा जाता है पनिशमेंट देने के लिए। लाइट को अकेले ही एक रूम में रखा जाता है, पर जब वो अकेला बैठा होता है तब उसे वो एंशियंट बुक याद आ जाती है। फिर वो उस बुक को रीड करने लगता है और ये कोई सिंपल बुक नहीं थी बल्कि रूल से भरी हुई थी, यानी कि बुक को रखने का भी वसूल था। ये बुक सदियों पुरानी थी। इस बुक को पाकर लाइट को काफी अजीब फील होता है और जब वो इस किताब को एग्जामिन कर रहा होता है तब वहाँ पर अजीब चीजें होना शुरू हो जाते हैं। वहाँ लाइट एक अजीब चीज को नोटिस करता है जो इंसान नहीं होता है बल्कि एक मॉन्स्टर था और उसकी बॉडी की स्किन कांटेदार थी और वो काफी डरावना भी था। लाइट उसे देखकर बहुत ज्यादा डर जाता है, लेकिन बाद में उसे सारी बातें समझ आ जाती है कि ये कोई क्रिएचर नहीं बल्कि एंजल ऑफ डेथ है, यानी मौत का फरिश्ता, और ये इस किताब का गार्डियन है। एंजल ऑफ डेथ लाइट को इस बुक की रियलिटी बताता है कि ये किताब क्या क्या कर सकती है। इस बुक में कुछ स्पेसिफिक नोट्स हैं जिन्हें डेथ नोट्स कहा जाता है। जिस इंसान के पास ये बुक होती है वही इसका ओनर होता है, यानी इस वक्त इस बुक का ओनर लाइट होता है। और इस बुक की बड़ी बात ये है कि इसके डेथ नोट पर जिसका भी नाम लिखा जाएगा वो मर जाएगा। बुक के मालिक किसी को भी अपने पसंद के तरीके से मार सकता है, लाइक वो कोई भी तरीका चूज करके बुक में राइट कर दे तो मरने वाला सेम उसी मेथड उसी पैटर्न से ही मरेगा। लेकिन ऐसा करने के लिए ओनर को कुछ रूल्स को फॉलो करना होगा। लाइट फिलहाल तो इस बात पर बिलीव ही नहीं करता। बुक के साथ जो एंजल ऑफ डेथ होता है वो सिर्फ उसी इंसान को नजर आता है जो बुक का ओनर होता है। अब एंजल ऑफ डेथ लाइट को बताता है कि 7 दिन में उसने इस बुक में एक नाम तो जरूर लिखना है और अगर उसने ऐसा ना किया और किसी का भी नाम इसमें ना लिखा तो ये बुक किसी और के पास चली जाएगी। किसी के नाम बुक में लिखने का शर्त ये है कि ओनर को उस आदमी का ओरिजिनल नाम और उसका चेहरा जरूर याद होना चाहिए और मौत का कोई एक तरीका लिखा जाएगा जो एक्चुअल में होता है। एंजल ऑफ डेथ लाइट को कहता है कि तुम्हें इस बुक को जरूर आजमाना चाहिए। तभी लाइट विंडो में से उस नोटी लड़के को देखता है जो उस वक्त भी किसी को परेशान कर रहा होता है और उसने लाइट को भी मारा था। एंजल ऑफ डेथ की बात मानकर लाइट उस बुक में उसी लड़के का नाम राइट कर देता है और उस लड़के की मौत का वो ये तरीका लिखता है कि उसका सर क्रश होगा। फिर हम बाहर का नजारा देखने लगते हैं जो कि अचानक से बदल जाता है। दो गाड़ियां आपस में टकरा जाती है और एक गाड़ी में लोहे के लेटर्स पड़ी हुई थी जिससे सच में उस लड़के का सर क्रश हो जाता है। लाइट समेत सब लोग ये देखकर काफी हैरान हो जाते हैं। ये सब कुछ देखकर अब लाइट को भी यकीन आ गया था कि जो कुछ उसे एंजल ऑफ डेथ ने बताया वो सब कुछ सच है। इसी वजह से लाइट काफी डर जाता है। एंजल ऑफ डेथ लाइट को बताता है कि तुम इस बुक की मदद से बहुत कुछ कर सकते हो, लेकिन अगर तुम इस बुक को नहीं लेना चाहते तो मैं इसका मालिक किसी और को बना दूंगा। फिर लाइट सोचता है कि आखिर इस बुक के पावर को अच्छे कामों के लिए कैसे इस्तेमाल किया जाए। लाइट स्कूल में बैठा ये बात सोच ही रहा था तभी लाइट के पास एक लड़की आ जाती है जिसका नाम होता है मिया। मिया लाइट की बेस्ट फ्रेंड होती है। इसी वजह से लाइट उसे अपना ये सीक्रेट बता देता है कि मुझे एक मिस्टीरियस बुक मिली है जिस पर अगर किसी का नाम लिख दे तो वो मर जाता है। लेकिन मिया इस बात को बिलीव नहीं करती। इस बात को प्रूफ करने के लिए लाइट मिया को एक लाइव न्यूज दिखाता है जहाँ पर एक आदमी एक लड़की को गन पॉइंट पर रखा था और चारों तरफ से पुलिस थी। तो लाइट मिया से कहता है कि मैं यहीं से इसे मारता हूँ और लाइट उस किलर के बारे में डेथ नोट में लिख देता है कि एक गाड़ी उसे हिट कर देगी जिसके वजह से वो मर जाएगा। अब क्योंकि लाइट को उस क्रिमिनल का नाम और चेहरा मालूम था तो इसलिए बिल्कुल ऐसा ही होता है। ये देखकर मिया काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाती है। वो प्लान बनाते हैं कि अब हम बड़े ताकत के मालिक हैं और हम इस बुक की मदद से बुरे लोगों को इस दुनिया से मिटा देंगे। बुरे लोग यानी क्रिमिनल्स, किलर्स और इसी तरह के खतरनाक लोग। अब ऐसा करने के लिए उसे नाम और चेहरा इजिली इंटरनेट से मिल सकते थे, इसलिए वो बुरे लोगों के नामों की एक लिस्ट बना लेते हैं और बुरे लोग आहिस्ता आहिस्ता मरने भी लगते हैं। यहाँ पर हम ये भी जान पाते हैं कि बुक का ओनर अपने मरने पर भी कंट्रोल कर सकता है। लाइट ने अपने लिए एक नाम चुना था, वो था किरा। यानी जब भी कोई मरता था तो लाइट वहाँ पर किरा लिख देता था ताकि बुरे लोगों में इस नाम की दहशत फैल जाए और वो गलत काम छोड़ दे कि अब सब क्रिमिनल्स और बुरे लोगों को मारने वाला किरा आ गया है। और देखते ही देखते पूरी दुनिया में ये खबर वायरल हो जाती है कि किरा नाम का कोई
कोई सीरियल किलर आ गया है जो सबको मारता जा रहा है। और कुछ लोग तो कीरा को सपोर्ट भी कर रहे थे कि इससे कम से कम बुरे लोग तो खत्म होंगे, क्योंकि था तो वो किलर ही। तो पुलिस उसे ढूंढना चाहती थी। अब क्योंकि सबूत लाइट के खिलाफ नहीं था तो उस तक पहुंचना इम्पॉसिबल था। फिर एक इंटेलिजेंट डिटेक्टिव को इस केस के लिए हायर किया जाता है, और इस डिटेक्टिव का नाम होता है एल, जो कि काफी स्मार्ट था, जो कि अपने फेस को हमेशा कवर्ड रखता था और उसका ओरिजिनल नेम भी कोई नहीं जानता था। लाइट और मिया अपने लाइफ में काफी खुश थे और 400 से ज्यादा लोगों को मार चुके थे। एल एक कॉन्फ्रेंस में अनाउंस करता है कि कीरा सबके सामने आ जाओ। अब एल काफी स्मार्ट था तो इसलिए वो इस केस को स्टार्ट से ही देखता है, क्योंकि लाइट के फादर भी एक डिटेक्टिव थे, तो एल उन्हें भी अपने साथ मिला लेता है ताकि वो जल्द से जल्द कीरा तक पहुंच जाए। लाइट और मिया काफी अपसेट हो जाते हैं क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि उन्हें पकड़ने की साजिश की जाएगी, क्योंकि अभी तक तो वो मजे में थे, लेकिन एल की एंट्री ने उसके टेंशन को बढ़ा दिया है। लाइट अपने फादर से पूछता है कि अगर कीरा को पकड़ लिया तो उसके साथ क्या किया जाएगा। लाइट के फादर कहते हैं कि आधे लोग कहेंगे कि कीरा को फांसी की सजा होना चाहिए और आधे लोग कहेंगे कि आखिर इसने ये सब कुछ कैसे किया, इस बात पे रिसर्च की जाए। ये सुनकर लाइट की टेंशन और भी ज्यादा बढ़ जाती है। फिर सारी बात वो मियां को भी बताता है और उसे कहता है कि अब हमें ये सब कुछ यहीं स्टॉप कर देना चाहिए, क्योंकि एल के शक के दायरे में बहुत सारे लोग थे जिसमें लाइट भी शामिल था, क्योंकि वो उसके फादर की डेटा इजीली एक्सेस कर सकता था। इसलिए एल एक एजेंट को लाइट के पीछे लगा देता है ताकि वो लाइट की एक्टिविटी पर नजर रख सके। जब लाइट को इस बात का रियलाइज होता है तो वो खुद को नॉर्मल रखता है। बुक में लाइट का इंटरेस्ट कम होता देखकर मिया को बहुत बुरा लगता है, क्योंकि ये सब करके मिया बहुत इंजॉय कर रही थी। लाइट और मिया के लिए उनके रास्ते का पत्थर एल बन गया था, लेकिन वो चाहकर भी एल को नहीं मार सकते थे, क्योंकि ना तो वो लोग उसका ओरिजिनल नेम जानते थे और ना ही उन्होंने कभी उसकी शक्ल देखी थी, जो कि बुक का रूल भी था। लाइट और मिया इस बात पर डिस्कस कर रहे होते हैं कि इस बुक में उन सारे एजेंट के नाम राइट करने चाहिए जो कीरा को ढूंढ रहे हैं, ताकि बाकी डिटेक्टिव कीरा से डर जाए और मजबूरन उन्हें इस केस को बंद करना पड़ जाए। ये सब कुछ मियां करना चाहती थी, लेकिन लाइट ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहता था, क्योंकि वो इनोसेंट लोगों की जान नहीं लेना चाहता था। इसलिए मियां को भी लाइट की ये बात माननी पड़ती है और उस पर एग्री करती है। दूसरी तरफ एल को ये भी पता चल जाता है कि कीरा ने सिर्फ उन लोगों को अपना विक्टिम बनाया है जिन लोगों को टीवी पर दिखाया गया है, और कीरा उन लोगों को नहीं मार सकता जिसका फेस और नाम वो नहीं जानता। अब उस पर शक ना आए इसलिए लाइट डिसाइड करता है कि वो कुछ दिनों तक लोगों को नहीं मारेगा। लेकिन सडनली एक इंसिडेंट हो जाता है कि सारे एजेंट बिल्डिंग से कूदकर सुसाइड कर लेते हैं, क्योंकि इस केस में शामिल थे और कीरा को ढूंढ रहे थे, लेकिन ये नाम तो लाइट ने नहीं लिखे थे, तो फिर ये नाम किसने लिखे थे। यहाँ से सिचुएशन खराब हो जाती है, क्योंकि अब तक कीरा सिर्फ बुरे लोगों को ही मारता आ रहा था और सब उसे हीरो समझ रहे थे, मगर अब तो उसने पुलिस को भी मार दिया, इसलिए अब वो हीरो नहीं बल्कि खतरा बन गया है जो किसी को भी मार सकता है। इस बात को लेकर लाइट काफी वरीड हो जाता है। वो एंजल ऑफ डेथ से पूछता है कि क्या ये सब कुछ तुमने किया है। तब एंजल ऑफ डेथ कहता है कि ये नाम किसी और ने लिखे हैं, क्योंकि ये काम मैं नहीं कर सकता। लाइट के फादर अपनी कॉन्फ्रेंस में कीरा को चैलेंज करते हैं कि इनोसेंट लोगों को मारना बंद कर दो, और अगर हिम्मत है तो मुझे मारकर दिखाओ और सबके सामने आ जाओ। गुस्से में आके मियां लाइट को कहती है कि तुम अपने फादर का नाम भी लिख दो उस बुक में। लाइट मियां को कहता है कि मैं अपने फादर को कैसे मार सकता हूं, तुम्हारा क्या दिमाग खराब हो गया है। एल और भी समझदारी से इस केस को हैंडल कर रहा था। वो देखता है कि लाइट के फादर को कीरा मारेगा या नहीं, मगर ऐसा नहीं होता। अब क्योंकि लाइट के फादर नहीं मरते, जिसे एल का शक लाइट पे था, अब वो यकीन में बदल जाता है, क्योंकि आखिर वो भी तो एक डिटेक्टिव ही है जो इस केस को हैंडल कर रहे हैं। मगर कीरा ने उन्हें नहीं मारा, यानी कीरा कोई और नहीं बल्कि लाइट ही है। इसलिए रात को एल लाइट से मिलता है और उससे उगलवाने की कोशिश करता है कि तुम ही कीरा हो। एल लाइट से काफी क्वेश्चंस भी करता है और उसे अपना फेस भी दिखा देता है और कहता है कि अब ये सब कुछ करना अब बंद भी कर दो। लाइट उसकी बातों को इग्नोर करके वहाँ से चला जाता है। अब खतरा उसके सर पर ही था, वो चाहते हुए भी एल को नहीं मार सकता था। मियां एल को कहती है कि मैं तुमसे प्यार करती हूं और इस मुसीबत से निकलने के लिए हमें कुछ करना चाहिए। एल को अपने रास्ते से हटाने के लिए लाइट काफी सोचता है। वो कहता है कि एल का चेहरा तो मैं देख ही चुका हूं, लेकिन एल का ओरिजिनल नेम उसका फ्रेंड जरूर जानता होगा। लाइट एल के दोस्त का नाम उस बुक में लिख देता है और उसे अपने कंट्रोल में कर लेता है। अब यहाँ बुक का एक और रूल सामने आता है कि अगर ओनर ने किसी के नाम वाला पेज जला दिया तो वो आदमी बच जाएगा और उसे कुछ भी नहीं होगा। लेकिन एंजल ऑफ डेथ लाइट को बताता है कि ये सिर्फ एक ही दफा होगा। अब एल का दोस्त लाइट के कंट्रोल में आ चुका था, मगर वो भी एल का ओरिजिनल नाम नहीं जानता था। लाइट उसे कहता है कि किसी भी तरह से एल का असली नाम पता लगवाओ। तब एल का दोस्त बताता है कि एल एक एकेडमी में जाता था, तो हो सकता है कि उसका डॉक्यूमेंट में उसका ओरिजिनल
ओरिजिनल नाम हो, इसलिए लाइट उन्हें फौरन एकेडमी जाने को कहता है। एल का दोस्त ऐसा ही करता है और वो एकेडमी में चला जाता है। लाइट का प्लान था कि जब उसे एल का ओरिजिनल नाम पता चल जाएगा तो वो उस पेज को जला देगा जिस पर एल के दोस्त का नाम लिखा है, जिससे उसकी जान बच जाएगी और सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। लेकिन इधर एल को डाउट हो जाता है कि उसका दोस्त मिसिंग है। उसे सारी बात समझ आ जाती है कि लाइट ने उसे अपने कंट्रोल में कर लिया होगा मेरा असली नाम जानने के लिए। इस बात से एल काफी वरीड हो जाता है, इसलिए एल बगैर इन्फॉर्म किए लाइट के घर पर आ जाता है। वो लाइट के फादर को कहता है कि आपका बेटा ही असल कीड़ा है और इसी ने मेरे दोस्त को गायब भी किया है। लेकिन लाइट पे किसी को शक नहीं था क्योंकि उसके खिलाफ कोई सबूत जो नहीं था। एल उसके घर की तलाशी लेता है मगर उसे वहाँ पर कुछ भी नहीं मिलता, ना ही वो एंशियन बुक मिलती है क्योंकि मियाँ उसे अपने साथ ले गई थी। फिर लाइट को एल के दोस्त का कॉल आती है कि मैं एकेडमी तक पहुँच गया हूँ और उसके पास बस थोड़ा ही टाइम रह गया था, और एल का दोस्त बस नाम बताने ही वाला होता है। जब लाइट पेज को जलाने लगता है तो वो देखता है कि वहाँ पर तो वो पेज नहीं है बल्कि गायब हो चुका है, इसलिए नाम बताने से पहले ही एल की दोस्त की मौत हो जाती है। इस बात से लाइट को काफी दुख होती है। फिर एक डांस पार्टी में मियाँ ये राज रिवील करती है कि एल के दोस्त के नाम वाला पेज मैंने ही फाड़ा था, और तो और पुलिस ऑफिसर के नाम भी उस बुक में मैंने ही लिखे थे। वो बताती है कि अब तो मैंने तुम्हारा भी नाम लिख दिया उस बुक में। और लाइट के मौत का तरीका ये होगा कि आधी रात की उसकी हार्ट बीट बंद हो जाएगी और वो मर जाएगा। वो कहती है कि अगर तुम मुझे ये बुक दे दोगे तो मैं तुम्हारे नाम वाला पेज जला दूंगी। यानी मियाँ ने बुक हासिल करने के लिए लाइट को अपने प्यार के ट्रैप में फंसाया। जब एल को अपने दोस्त की डेथ का पता चलता है तो वो लाइट के पीछे पड़ जाता है, मगर एल वहाँ खड़े एक आदमी को कहता है कि ये कीड़ा है, मेरी हेल्प करो इसे पकड़ने में। लेकिन वो आदमी एल को ही बेहोश कर देता है क्योंकि वो कीड़ा का सपोर्टर था। भागते भागते लाइट मियाँ को भी अपने साथ ले जाता है और वो दोनों एक झूले में आ जाते हैं। दोनों ऊपर ही फंस जाते हैं और इतने में ही वहाँ पुलिस आ जाती है। लाइट मियाँ से कहता है कि अगर तुम मुझसे प्यार करती हो तो इस बुक को टच भी नहीं करोगी, हम एक होकर सब कुछ नॉर्मल कर देंगे। लेकिन मियाँ लालची थी तो वो उसकी बात नहीं मानती, वो उस बुक को लाइट से छीन लेती है। ये देखकर लाइट मियाँ से कहता है कि ये तुमने बहुत गलत किया है। ये सुनकर मियाँ समझ जाती है कि इस बुक में लाइट ने मेरा भी नाम लिख दिया होगा। अब दोनों के नाम बुक पे थे तो सडन दोनों नीचे गिर जाते हैं। मियाँ की तो मौके पर ही मौत हो जाती है लेकिन लाइट पानी में जाके गिरता है। फिर हम लाइट को एक हॉस्पिटल में देखते हैं जो कि कोमा में चला गया था। इसी दौरान और भी क्रिमिनल्स की मौत हो जाती है। वो लोग देखते हैं कि एल का शक तो लाइट पे था लेकिन वो तो कोमा में चला गया है, लेकिन लोग तो फिर भी मर रहे हैं। फिर हम देखते हैं कि मियाँ और लाइट जब झूले से गिर रहे होते हैं तब एक पेज उस बुक से निकलकर गिरता है और जल जाता है, और उस पेज पर लाइट का नाम लिखा हुआ था। लाइट ने एक समझदारी की थी, जब उसे पता चला कि मियाँ ने उसका नाम लिख दिया तो उसने बुक पे ये लिखा कि अगर मियाँ उससे ये बुक ले लेगी तो वो मारी जाएगी और वो पेज जिस पर लाइट के नाम लिखा हुआ है वो जल जाएगा और लाइट पानी में गिर जाएगा। इसी के साथ उसने बहुत सारे बुरे लोगों के नाम भी उस बुक में लिख दिए थे। एक बुरा डॉक्टर लाइट को पानी से बाहर निकालता है और उसे कोमा में भेज देता है, और बाद में वही डॉक्टर सुसाइड कर लेता है। फिर एक और आदमी उस बुक को लेता है और उसमें बहुत सारे बुरे लोगों के नाम लिख देता है। बाद में वो आदमी उस बुक को लाइट के पास ले आता है। लाइट भी अब कोमा से बाहर आ चुका था। इसके बाद एल को सस्पेंड कर दिया जाता है, लेकिन वो आखिरी बार मियाँ के घर की भी तलाशी लेता है और वहाँ उसे मरने वाले सारी पुलिस ऑफिसर के नाम मिल जाते हैं, जिसकी वजह से सारा इल्जाम मियाँ पे आ जाता है। और इधर लाइट को एहसास होता है कि अब वो किसी पे भी ट्रस्ट नहीं करेगा। तो दोस्तों कैसे लगी एक्सप्लेन? अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हर संडे और मंडे को सुबह 10 बजे तुम्हारा भाई एक वीडियो धमाकेदार वीडियो लेकर